ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், மை நேம் இஸ் சந்திரசேகர் பருகலா. அவர் மேரா நம்பர் 9899123008. ஆர் ஹம் படரே தே கவர்னன்ஸ். ஆர் கவர்னன்ஸ் மே ஹம்னே யே ஜானா தா கி என்டர்பிரைஸ் கவர்னன்ஸ் கோ நயி ஏக் பஹுத் நயா டர்ம் ஹை. பஹலி சீஸ், என்டர்பிரைஸ் கவர்னன்ஸ் ஏக் பஹுத் நயா டர்ம் ஹை. ஆர் கவர்னன்ஸ், என்டர்பிரைஸ் கவர்னன்ஸ் கோ ஹம்னே தோ பாகோ மே ஸ்ப்ளிட் கியா தா. கார்ப்பரேட் கவர்னன்ஸ் ஆர் பிஸ்னஸ் கவர்னன்ஸ். யானி கி மே ஏக் கம்பெனி கா CFO या चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हूँ, या CEO हूँ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूँ, और सारी कंपनी को मैं कंट्रोल करता हूँ. अब इस कंपनी का मैं जनरल हो गया एक तरीके से, और इस कंपनी की सारी स्ट्रेटेजी मैं कंट्रोल करने लग गया हूँ. तो मैं स्ट्रेटेजिकली जब मैं देखूँगा तो मैं ये देखूँगा, दो चीज़ें देखूँगा. मैं देखूँगा कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसी है और बिज़नेस गवर्नेंस कैसी है. क्या मेरी कॉर्पोरेट गवर्नेंस सही है और बिजनेस गवर्नेंस सही है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस अगर सही है तो मेरा 50% काम हो गया. मैं कहूँगा कि मेरे कॉर्पोरेट गवर्नेंस सही काम कर रही है. अब बिजनेस गवर्नेंस, मेरा कॉर्पोरेट गवर्नेंस सही है, इसका मतलब ये है कि बिजनेस फेल होने के चांसेस बहुत कम हैं, लेकिन अभी उसके सक्सेस होने के चांसेस नहीं हैं, क्योंकि उसमें बिजनेस गवर्नेंस अभी ठीक नहीं है. मुझे बिजनेस गवर्नेंस पर देखनी है. तो स्प्लिट आउट मैंने इसलिए किया ताकि मेरे को हेल्प हो. मैं एक आर्मी का जनरल हूँ और मैं वॉर के लिए जा रहा हूँ, तो मैं ये देखूँगा नंबर ऑफ ट्रूप्स हैं, जितने यूनिट्स होने चाहिए उतने हैं, मेरे पास आर्म एंड एम्यूनिशन है, सारी चीज़ें हैं, मेरे पास टैंक्स भी बड़े अच्छे हैं, अब्राहम टैंक्स हैं, बेस्ट टैंक्स हैं मेरे पास वर्ल्ड के, मेरे पास F-16 फाइटर्स हैं, मेरे पास स्टेल्थ बॉम्बर्स हैं, मेरे पास सारी चीज़ें हैं. लेकिन अब मेरी मिलिट्री स्ट्रेटेजी के बारे में मैं सोचूंगा, जब लड़ाई करूंगा तो मेरी क्या स्ट्रेटेजी है, वो मेरा परफॉर्मेंस पार्ट होगा, बिजनेस गवर्नेंस होगा. अब लड़ाई में बिजनेस, लड़ाई में चीज़ सिचुएशन चेंज होगी, मैं उस पर उसको देखना स्टार्ट करूंगा. दूसरी बात, कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी चेंज हो सकती है. आज अब्राहम टैंक है तो कल की डेट में अब्राहम 1.0 की जगह 2.0 टैंक चाहिए, अगला वर्जन चाहिए. तो वहाँ पर भी चेंजेस बहुत तेज़ी से आ रहे हैं, पहले वहाँ पर वो चेंजेस नहीं आ रहे थे. तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस और बिजनेस गवर्नेंस मैंने अपनी सहूलियत के लिए स्प्लिट आउट कर दिया, ताकि मेरे से बोर्ड कल की डेट में पूछे कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के फ्रंट में क्या हो रहा है, तो मैं उन्हें रिपोर्ट दूँ. अगर बोर्ड मुझसे पूछे बिजनेस गवर्नेंस के फ्रंट में क्या हो रहा है, तो बोर्ड को मैं रिपोर्ट दे सकूँ. लेकिन सबसे पहले इम्पॉर्टेंट यह है कि क्या आपका चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इन टर्म्स को जानता है, क्या बोर्ड इन गवर्नेंस के टर्म्स को जानता है? अगर एक अच्छा बोर्ड होगा तो उसके पास बैलेंस स्कोर कार्ड होगा. क्या उसके पास एक बैलेंस स्कोर कार्ड है? और ये सब स्ट्रेटेजिकली चल रहा है, टॉप मैनेजमेंट लेवल पर चल रहा है. आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट कितना कॉम्पिटेंट है? आप कंपनी में ऑडिट करने जाते हो तो आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि टॉप मैनेजमेंट कितना कॉम्पिटेंट है. अगर वो कॉम्पिटेंट है कहे तो नीचे कंट्रोल्स भी लगे होंगे. अगर वो कॉम्पिटेंट नहीं है तो कंट्रोल्स भी नहीं लगे होंगे. अगर वो कॉम्पिटेंट है तो कंट्रोल्स ना केवल लगे होंगे बल्कि इम्प्लीमेंट भी हो रहे होंगे. कई जगह पर कंट्रोल्स दिख रहे होंगे, इम्प्लीमेंटेशन कुछ नहीं हो रहा होगा, फैकेड होगा. तो क्या कंट्रोल्स इम्प्लीमेंट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? कितना इम्प्लीमेंटेशन है? कई जगह पर जीरो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा होगा, कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा होगा, केवल कंट्रोल्स होंगी, पॉलिसीज होंगी, वो पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने वाला ही नहीं होगा. तो हमने बोला, बताया था कि ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है. छोटा ऑर्गेनाइजेशन, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ मैनेजमेंट की क्या नॉलेज का बेस है, उसके अनुसार अलग अलग कमिटीज़ होती हैं. स्टीयरिंग कमिटीज़ होती है, स्ट्रेटेजिक कमिटीज़ होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं. ये क्यों होते हैं, इस चीज़ के बारे में हमने सारी चीज़ें बताई थी. हमने ये जब बताया था कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर स्ट्रेटेजी को कंस्ट्रक्टिवली क्रिटिसाइज़ करने के लिए होता है, वो आते ही इसलिए हैं कि स्ट्रेटेजी को कंस्ट्रक्टिवली क्रिटिसाइज़ किया जाए. और स्ट्रेटेजी कौन बना सकता है? अगर बोर्ड में कॉम्पिटेंट आदमी है तो बोर्ड बना सकता है, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कई बार क्या होता है, इनकॉम्पिटेंट लोग बैठे होते हैं. वो पैसा तो लगा सकते हैं, उनको एंटरप्रेन्योरशिप होती है, लेकिन उनको कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में कुछ पता नहीं होता है, स्ट्रेटेजी के बारे में उतना ज़्यादा नहीं पता होता है. तो वहाँ पर आपकी स्ट्रेटेजी कमेटी पैदा होती है. स्ट्रेटेजी कमेटी प्रिपरेटरी कमेटी होती है.
प्रिपेयर करती है स्ट्रेटेजी और बोर्ड को दे देती है, और कई जगह पर बोर्ड ही स्ट्रेटेजी प्रिपेयर करता है। जहाँ बोर्ड स्ट्रेटेजी प्रिपेयर करेगा, जहाँ इतने कॉम्पिटेंट लोग होंगे कि बोर्ड में बोर्ड स्ट्रेटेजी बनाए, तो इसका मतलब ये होगा प्रिपरेटरी बोर्ड फिर प्रिपरेटरी नहीं होगा, वो कम बना रहा होगा और उसको स्टीयरिंग कमेटी को दे रहा होगा। बोर्ड का फाइनल डिसीजन है स्ट्रेटेजी के केस में, बोर्ड कपल्ड विद चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आपका क्या काम कर रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की है, नीचे के मैनेजमेंट की नहीं है। तो मैनेजमेंट पर क्वेश्चन लोग उठाने वालों की हिम्मत ही नहीं होती है, बाहर के लोग उठाते हैं, अंदर के लोग तो बस पर्टिकुलरली इंडिया जैसी कंपनी में हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं, उन पर क्वेश्चन उठाने की हिम्मत नहीं होती है। तो कहने का मतलब ये है कि बोर्ड को पावरफुल होने के लिए बोर्ड क्या कर रहा है इस चीज़ को जानने के लिए बहुत सी चीज़ें होती हैं, उसमें मेजरमेंट प्रॉब्लम होती है। मेजरमेंट प्रॉब्लम कहाँ पर होती है, जहाँ नॉन फाइनेंशियल चीज़ें होती हैं जिनको मेजर नहीं किया जा सकता है, और मेजरमेंट प्रॉब्लम की वजह से ही बैलेंस स्कोर कार्ड बनाया गया। चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट सीमा लंदन ने स्ट्रेटेजिक स्कोर कार्ड या बैलेंस स्कोर कार्ड बनाया। अब बैलेंस स्कोर कार्ड के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बैलेंस स्कोर कार्ड बहुत पुराना टर्म नहीं है, बैलेंस स्कोर कार्ड नया टर्म है। बैलेंस स्कोर कार्ड 1990s में आया, बैलेंस स्कोर कार्ड नॉर्टन और कैप्लान ने दिया। बैलेंस स्कोर कार्ड क्या करता है, स्ट्रेटेजिक चीज़ों को देखता है, टॉप मैनेजमेंट का स्कोर कार्ड है, टॉप मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस का इंडिकेटर है। और किस परफॉर्मेंस का, बेसिकली नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का इंडिकेटर है, फाइनेंशियल नहीं, नॉन फाइनेंशियल इंडिकेटर है। और बैलेंस स्कोर कार्ड मेजरमेंट प्रॉब्लम को दूर करता है, यानी कि किसी कंपनी में आप CFO CEO के कमरे में जाओगे या बोर्ड में जाओगे तो वहाँ बहुत सारे ग्राफ्स बने होंगे जो स्ट्रेटेजिकली चीज़ों को बता रहे होंगे, तो इसका मतलब वहाँ पर एनालिसिस हो रहा है। तो आपका जो स्ट्रेटेजिक स्कोर कार्ड है आप उसे डिवाइड कर सकते हैं स्ट्रेटेजिक पोजिशन, और उसके बाद स्ट्रेटेजिक ऑप्शन, स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन और स्ट्रेटेजिक रिस्क, और भी तरीके से उसे डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम इस तरह से डिवाइड करते हैं। चार बेसिक एलिमेंट्स जो हैं, सबसे पहले स्ट्रेटेजिक पोजीशन। स्ट्रेटेजिक पोजीशन मतलब आज की पोजीशन क्या है, बाहर का एनवायरनमेंट क्या है, बाहर क्या चीज़ चल रही है। जैसे हमने कोडक का एग्जांपल लिया कि बाहर डिजिटल कैमरे का रिवॉल्यूशन था, कोडक अपना वो जो पुरानी रील होती थी केमिकल रील उसी में मस्त था, तो अचानक कोडक के बोर्ड को स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग के बारे में पता नहीं था, जबकि वो मार्केट लीडर था। आजकल क्या है कि छोटे छोटे बच्चे, डॉर्मेटरी रूम के बच्चे, मार्क जुकरबर्ग, अच्छा एक टाइम में हार्वर्ड में या पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी में डॉर्मेटरी में था, और वहीं से निकला और उसने अचानक दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी फेसबुक बना दी। यही लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन का हालत था, यही बिल गेट्स का हालत था। ये लोग अचानक डॉर्मेटरी रूम से निकल रहे हैं और पता नहीं क्या से क्या कर दे रहे हैं, यही एलन मस्क का था। तो ये जो लोग हैं ये मार्केट को बिल्कुल चेंज कर दे रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज को क्रिएट कर दे रहे हैं। तो अब मैक्रो इन्वायरमेंट जानना बहुत ज़रूरी है। मैक्रो इन्वायरमेंट क्या है, मैक्रो इन्वायरमेंट तो दो इन्वायरमेंट है, पहले माइक्रो इन्वायरमेंट और मैक्रो इन्वायरमेंट। माइक्रो इन्वायरमेंट छोटा इन्वायरमेंट है, मैक्रो इन्वायरमेंट बड़ा इन्वायरमेंट है। मैक्रो बड़ा है, ये पॉलिटिकल इकोनॉमी और रेगुलेटरी फोर्सेस को देखता है, आपके नेता ने क्या पॉलिसी आगे कर दी, क्या पॉलिटिकल सिचुएशन है, क्या आपकी कंट्री स्टेबल है कि नहीं है, क्या आप डेवलप्ड कंट्री हो, डेवलपिंग कंट्री हो, अंडर डेवलप्ड कंट्री हो। तीन चीज़ें, अगर आप डेवलप्ड कंट्री हो तो इसका मतलब कट थ्रोट कंपटीशन है, मार्केट कहीं पर भी आपको गिरा सकती है। अगर आप डेवलपिंग कंट्री हो तो आप थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हो, लेकिन रिलैक्स करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। अंडर डेवलप्ड कंट्री हो तो उसके अलग डायनामिक्स हैं, आप किस एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिस एनवायरनमेंट काम कर रहे हो उसी तरह के रेगुलेटरी फैक्टर्स होंगे। अगर आप अंडर डेवलप्ड कंट्री में काम कर रहे हो तो वहाँ पर रेगुलेटर, गवर्नमेंट कोई रेगुलेशन देगी वो लागू ही नहीं होगा। अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान की संसद कुछ
करती है, लोया जिगरा कहते हैं उसको, वो कुछ लॉ पास करती है, आधे अफगानिस्तान को तो कोई मतलब ही नहीं होता है। हिंदुस्तान में बहुत सारी लॉज पास होती हैं, हो रही हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है और लोग धीरे धीरे इस स्टेज में आ रहे हैं कि उसके इम्प्लीमेंटेशन को हामी भर रहे हैं, लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज़ में लॉज आती हैं और इंस्टेंटली इम्प्लीमेंट हो जाती हैं। तो रेगुलेटरी फैक्टर्स आपको देखने पड़ेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि डेवलपिंग कंट्री में क्या होता है कि कई बार ऐसे बहुत सारे लॉज डाल दिए जाते हैं जो कि एब्सर्ड होते हैं और बहुत सारी कंपनी उन्हें फॉलो नहीं कर रही होती हैं, क्योंकि उनको फॉलो करना इकोनॉमिक नहीं होता। अगर आप उसे फॉलो करेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, आप कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फॉलो नहीं करना चाहिए, लेकिन वहाँ पर आप क्या करोगे। तो रेगुलेटरी फैक्टर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, पॉलिटिकल फैक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए, इकोनॉमिक फैक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए। इकोनॉमी बड़ी अजीब चीज़ है, इकोनॉमिक्स बड़ा अजीब साइंस है, उसके बारे में आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो ये मैक्रो इन्वायरमेंट है, ये सारी इंडस्ट्री के लिए काम करते हैं। माइक्रो इन्वायरमेंट आपकी मार्केट में आपकी क्या पोजिशन है, क्या कंपटीशन है, आपके कौन से कस्टमर्स हैं, ये माइक्रो इन्वायरमेंट है। तो ये कहाँ पर आप खड़े हैं इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद स्ट्रेटेजिक इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कब स्ट्रेटेजिक इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स क्या होते हैं। हमने बताया कि जहाँ बिजनेस के फंडामेंटल चेंज हो रहे होते हैं, जहाँ बिगनिंग ऑफ एंड हो रहा होता है कि मालूम पड़ा कुछ चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं, जैसे CD ख़त्म होने वाली है, पेन ड्राइव ख़त्म होने वाली है, उसके बाद कुछ और आने वाला है। तो बेसिकली क्या चीज़ स्ट्रेटेजिक इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स ये बताते हैं, क्या चीज़ ख़त्म होने वाली है, क्या चीज़ मार्केट में नई चीज़ आने वाली है और क्या चीज़ बहुत तेज़ी से मूव करने वाली है, क्योंकि पुरानी कोई चीज़ ख़त्म होगी तो नई कोई चीज़ उसको रिप्लेस करेगी। तो स्ट्रेटेजिक इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स क्या थ्रेट पैदा कर रहे हैं और क्या अपॉर्चुनिटी पैदा कर रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेटेजिक इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स कई जगह पर अपॉर्चुनिटी पैदा करते हैं। $1 बिलियन अपॉर्चुनिटी पैदा हो रही है आजकल, जहाँ जहाँ स्ट्रेटेजिक इन्फ्लेक्शन पॉइंट आ रहे हैं वहाँ $1 बिलियन अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद बिजनेस पोजिशन, मार्केट शेयर क्या है, प्राइसिंग क्या है, क्वालिटी क्या है, सर्विसेज क्या है। उसके बाद कैपेबिलिटीज़ में दो चीज़ें दी हुई हैं, स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। क्या आपकी स्ट्रेंथ हैं, क्या वीकनेसेस हैं, क्या मार्केट में अपॉर्चुनिटी है और क्या मार्केट में थ्रेट है। अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स मार्केट की हैं, मार्केट में आप घुसोगे तो क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या आपके लिए थ्रेट्स हैं, वीकनेसेस हैं आपके अंदर तो थ्रेट्स उसको खा जाएंगी, स्ट्रेंथ है तो अपॉर्चुनिटी को आप एक्सप्लॉइट करोगे। तो स्वॉट एनालिसिस होना चाहिए और स्वॉट एनालिसिस का ग्राफ, आप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हो, आपके कमरे में होना चाहिए, ताकि कोई भी आदमी आए उसको पता चल जाए, उसको देखते ही पता चल जाए कि ये हमारे ये विजन है। वो सर्कुलेट होना चाहिए कंपनी के इंटरनेट में। उसके अलावा कोर कॉम्पिटेंसी, कोर कॉम्पिटेंसी क्या है, आपकी कॉम्पिटेंसी क्या है, किसी कंपनी की कॉम्पिटेंसी, कोर कॉम्पिटेंसी, मेन कॉम्पिटेंसी क्या है। किसी कंपनी की कॉम्पिटेंसी होती है सॉफ्टवेयर बनाना, और कोर कॉम्पिटेंसी होती है वो ओरेकल में काम कर रही है या पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म में काम कर रही है। किसी कंपनी की कोर कॉम्पिटेंसी होती है वो इलेक्ट्रिसिटी दे रही है। किसी कंपनी की कोर कॉम्पिटेंसी होती है कि वो मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है और उसमें भी हार्ट प्रोवाइड कर रही है, हार्ट स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स, अपोलो हॉस्पिटल्स, वो उसकी कोर कॉम्पिटेंसी है। वहाँ हार्ट का पेशेंट सबसे पहले जाता है, अपोलो एस्कॉर्ट्स इन हॉस्पिटल्स में, वो उनकी कोर कॉम्पिटेंसी है। तो आपकी क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, कैपेबिलिटीज़ में सबसे पहले तो आपकी कोर कॉम्पिटेंसी क्या है, जिस चीज़ की स्पेसिफिक नॉलेज रखते हो, क्योंकि वही स्पेसिफिक नॉलेज आपको ज़रूरत से ज़्यादा पैसा देगी। मार्केट क्या करती है, 10 साल तक आप काम करते हो मार्केट में पैसा नहीं देती है, लेकिन 10 साल बाद आप इतने प्राइज्ड प्रोफेशनल हो जाते हो कि उसके बाद आपको ज़रूरत से ज़्यादा पैसा मार्केट में मिलने लगता है। आप मांगते हो 10, मिलता है 20, क्योंकि आप जैसे प्रोफेशनल मार्केट में नहीं मिलते हैं। ये पर्टिकुलरली डेवलपिंग कंट्रीज़ इंडिया के लिए बहुत सही है। इंडिया में आप काम करोगे एक साल, दो साल, तीन साल आदमी एक्सप्लॉइट करेगा, पाँचवें साल के बाद आप हार्डकोर प्रोफेशनल बन जाओगे, थोड़ी सी आपके मार्केट में एक इज्जत हो जाएगी, रिस्पेक्टेबिलिटी हो जाएगी। लेकिन जब 10 साल हो जाएंगे तो आप मार्केट के हार्डकोर प्रोफेशनल होगे, आपका मांगा हुआ पैसा आपको मिलने लगेगा। और जब 20 साल हो जाएंगे उस मार्केट के, जब सब चीज़ आप जानते होगे, कनेक्शंस हो जाएंगे उस मार्केट में, तो मनमाना पैसा मांग सकते हो आप। पर्टिकुलरली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए ये है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो इंडस्ट्री कहती मुझे ये वाला बंदा चाहिए, फिर वो उस इंडस्ट्री के बंदे कम होते चले जाते हैं।
वो उस बंदे की कोर कॉम्पिटेंसी बन गई, ये पर्टिकुलर बंदा कहाँ पर काम करता है, सर्विस सेक्टर में करता है, मैन्युफैक्चरिंग में करता है या दूसरे सेक्टर्स में करता है, सॉफ्टवेयर वाली कंपनी में कर रहा है, आईटी कर रहा है, नॉन आईटी कर रहा है, किस कंपनी में ये बंदा काम कर रहा है, वो उसकी कोर कॉम्पिटेंसी है। इसके बाद आपके स्टेक होल्डर्स हैं। स्टेक होल्डर्स क्या हैं? इंटरनल वेंडर, एक्सटर्नल वेंडर। इंटरनल वेंडर आपके एम्प्लॉइज हो गए, एक्सटर्नल वेंडर्स जो हो गए आपके वो वेंडर्स हो गए, उनसे सामान खरीद रहे हैं, शेयर होल्डर्स हो गए, ये स्टेक होल्डर्स हैं। वेंडर कुछ पैसा चाहिए, वो आपकी कंपनी में इनडायरेक्ट वे में स्टेक रखता है, सैलरी वाले को सही टाइम पर सैलरी चाहिए, वो स्टेक रखता है। सैलरी क्यों इंपॉर्टेंट? कई बार क्या होता है कि कंपनी होती है वहाँ पर पैसा नहीं होता उसके पास, तो वहाँ सबसे पहले पैसा क्यों देते हो आप सैलरी वाले को? क्योंकि उसका टेक्निकल रीज़न ये है, वो स्टेक होल्डर है आपकी कंपनी में। आप क्या होता है कि सैलरी डिले नहीं करते हो जनरली, आपका ही कंपनी आप में आपका ही कंपनी में बस वर्किंग कैपिटल क्रंच होता है, उतना वर्किंग कैपिटल नहीं होता है उनके पास। एक दो तारीख, तीन चार पाँच तारीख के पास सारी चीज़ें आती हैं, सर्विस टैक्स भी आता है, टैक्स भी पे करना है, सात तारीख तक आपका TDS भी पे करना है, सैलरी भी देनी है और भी चीज़ें देनी है। तो उस पर्टिकुलर पीरियड में सबसे पहले सैलरी दी जाती, क्यों दी जाती है? इसलिए दी जाती है वो आपकी कंपनी का स्टेक होल्डर है। तो आपकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन क्या है आपको देखना है, माइक्रो इन्वायरमेंट क्या है, मैक्रो इन्वायरमेंट क्या है, आपका स्ट्रेटेजिक इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स क्या है, बिजनेस की पोजीशन क्या है, इस समय करंट मार्केट शेयर क्या है आपका, क्वालिटी सर्विसेज ये सारी क्या आप दे रहे हैं, कैपेबिलिटीज़ क्या है, कैपेबिलिटीज़ में स्वॉट एनालिसिस होना चाहिए। जो आपका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है उसके कमरे में स्वॉट एनालिसिस का एक चार्ट लगा होना चाहिए। कोर कॉम्पिटेंसीज़ क्या हैं आपकी, स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हैं। अब आपकी पोजीशन आपको पता चल गई, आपकी हैसियत मार्केट में आपको पता चल गई, आप बिग प्लेयर है, छोटे प्लेयर है, स्ट्रेटेजिक प्लेयर है, कटिंग एज का काम कर रहे हो, आपको आज की डेट में पता चल गया। तो दूसरी चीज़ आती है आपके पास ऑप्शंस क्या हैं, आपका डायरेक्शन क्या होगा, आपके स्कोप का चेंज क्या होगा। आप कटिंग एज में हैं तो आप मार्केट लीडर हैं तो आपका कुछ और स्कोप होगा, आप नया प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हो, लेकिन आप मीडियम हो तो आप रिस्क ले सकते हो, अगर आप छोटे हो तो जरूरी नहीं आप रिस्क ले सकते हो। कई केसेस में आजकल लोग रिस्क लेने लग गए हैं और मैसिव गेंस पैदा होने लग गया है, लेकिन जनरली क्या है कि फिर आप छोटा सोचोगे, आप रिस्क फ्री रहना चालू करोगे। हाँ, अगर आपके पास एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज आ गई है, एक स्पेशलाइज्ड एरिया है तो रिस्क लोगे आप। तो आप देखोगे हाई, जैसे टेस्ला अपनी कार निकाल रही थी इलेक्ट्रिक कार, तो सबसे पहले उसने एक सेगमेंट देखा, उसने कहा ज़्यादा पैसे वाले और कम वॉल्यूम, स्मॉल वॉल्यूम और हाई प्राइस सेगमेंट को देखा और उस पर पैसा लगाना शुरू किया। तो ये स्ट्रेटेजिक ऑप्शन है, आपके पास क्या ऑप्शन है आप ये फाइंड आउट करोगे। ऑप्शन होने के बाद आप उसका इम्प्लीमेंटेशन करोगे और उसके लिए प्रोजेक्ट्स स्टार्ट कर दोगे कि ये मेरा प्रोजेक्ट है, इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। अब प्रोजेक्ट के माइलस्टोन क्या हैं, प्रोजेक्ट होगा तो माइलस्टोन होंगे, कि प्रोजेक्ट पूरा करना है तो माइलस्टोन को रीच आउट करना पड़ेगा आपको। आपके प्लान्स होंगे, जब भी आप इम्प्लीमेंट करते हो तो क्या करते हो, प्लान बनाते हो और एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट ले लेते हो। आपके तो कंपनी में एक नया हमारा ये प्रोजेक्ट हो रहा है कि ये चीज़ ठीक करनी है, तो प्रोजेक्ट्स के माइलस्टोन कर लेते हो, प्लान आप बनाते हो या पुराने प्लान को छोड़ देते हो। तो आपको ये देखना पड़ेगा पुराना प्लान छोड़ दें, कौन कौन से प्लान को अमेंड करना है, कौन कौन से नए प्लान लेने हैं, क्या प्लानिंग करनी है और क्या प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करना है। इसके बाद रिस्क, अगर मार्केट में आप जा रहे हो तो रिस्क को आपको पता होना चाहिए क्या रिस्क है, पहले तो इंटरनल रिस्क, दूसरे एक्सटर्नल रिस्क। बोर्ड को पता होना चाहिए क्या क्या रिस्क हैं और उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है, रिस्क का मेजरमेंट और उसके इंटरनल कंट्रोल्स। अब क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल एलन मस्क था, उसने अपनी टेस्ला कार निकाली, तो टेस्ला कार निकालने में एक सिचुएशन ये आ गई कि टेस्ला कार इलेक्ट्रिक कार थी, मार्केट में इलेक्ट्रिक कार नहीं चलती हैं, अभी इलेक्ट्रिक कार नहीं थी, उसने रिस्क लिया। उसका कहना था कि मैं रिस्क लूँगा, वो उसने पेपाल से पैसा कमाया बिलियंस ऑफ डॉलर, एक स्टूडेंट था, उसने सॉफ्टवेयर फिजिक्स का स्टूडेंट था, सॉफ्टवेयर इंटरनेट में आया, इंटरनेट में उसने पैसा बनाया, पैसा बना दिया, बिलियन डॉलर्स कमा लिए। तो उसने कहा मैं कार निकालता हूँ, उसका विजन था, उसका पैशन था कार बनाना, इलेक्ट्रिक कार बनाना। उसने इलेक्ट्रिक कार बनानी शुरू की, टेस्ला कार निकाली, टेस्ला कार बनते बनते ये हो गया कि बैंक्रप्सी की हालत में आ गया।
तो वो उसका रिस्क था और उसे पता था कि मैं वो पैसा इसलिए लगा रहा था कि मैं अनसक्सेसफुल हूँगा, सक्सेस होने पर बिग रिवॉर्ड्स हैं। वो हाई रिस्क जानते हुए भी हाई रिस्क ले रहा था। तो रिस्क इन बोर्ड को पता होना चाहिए क्या रिस्क ले रहा है, बाकी रिस्क कितना मिटिगेट करना है, कितना रिस्क लेना है, उनकी रिस्क एपेटाइट क्या है, वो उस पर डिपेंडेंट है। जैसे इलॉन मस्क पैसा इसलिए लगा रहा था कि $1 बिलियन चले जाएं, कोई बात नहीं, $1 बिलियन होते हैं 6,000 करोड़ रुपया, 6,000 करोड़ रुपया चले भी जाए तो कोई बात नहीं, मैं ये एक्सपेरिमेंट करूँगा। उसने वो रिस्क एपेटाइट ली थी। तो रिस्क एपेटाइट फाइंड आउट करना ये परफॉर्मेंस का पार्ट है, कन्फर्मेंस का पार्ट नहीं है। जब आप उस रिस्क को मैनेज कर रहे हो और कंट्रोल कर रहे हो, वो कन्फर्मेंस का पार्ट है, वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में आता है। लेकिन आपने रिस्क की क्या एपेटाइट है, ये बिजनेस गवर्नेंस में आता है। क्यों आता है? क्योंकि एलन मस्क ने ये सोचा 6,000 करोड़ चले जाएँ तो चले जाएँ, ये मेरी रिस्क एपेटाइट है। इस इलेक्ट्रिक कार को सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत कम हैं, लेकिन अगर ये सक्सेसफुल हो गई तो वर्ल्ड वाइड रेवोल्यूशन आ जाएगा, ये मेरा पैशन है और पैसे भी खूब आएंगे। और हुआ ये कि वो गिरने जा रहा था, उसके पैसे ख़त्म होने वाले थे 2008 में, लेकिन तब तक वो प्रोडक्ट बना लिया, शेयर होल्डर्स ने उसको कुछ प्रोडक्ट दे दिया, उसने प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिया और फिर मार्केट से पैसे आ गए। आज उसके पास कई कई गुना पैसे हैं। कल वो $1 बिलियन का आदमी था, आज शायद $11 बिलियन का आदमी है। कल वो 6,000 करोड़ का आदमी था, आज शायद 60,000 करोड़ का आदमी है, 60,000 करोड़। तो कहने का मतलब ये है कि एपेटाइट ऑफ रिस्क ये परफॉर्मेंस है, इंटीग्रेशन ऑफ रिस्क भी परफॉर्मेंस है। अगर मान लिया सपोज आप कार बना रहे हो, कार में आजकल महिंद्रा की SUV 500 है, वो गाड़ी चल रही है तो वो डिटरमाइन कर लेती है कि लाइट कब जलनी है, लाइट कम हुई तो ऑटोमेटिकली लाइट जला देती है, वाइप बारिश होगी तो ऑटोमेटिकली वाइपर चलने लगता है। तो वो क्या कर रही है, जो रिस्क है उसको इंटीग्रेट कर रही है कि अगर बारिश आई तो ये होगा, ये आई तो ये होगा, उसको डिसीजन मेकिंग एक्टिविटी के साथ इंटीग्रेट करना स्टार्ट कर दिया है उन्होंने। तो वो भी परफॉर्मेंस है, गाड़ी की परफॉर्मेंस है। गाड़ी चलती है, जब भी बारिश होती है तो वाइपर्स चलने चालू हो जाते हैं, जब भी अंधेरा होने लगता है, फॉग आने लगता है, लाइट्स ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती हैं। मतलब गाड़ी चलाते चलाते डायरेक्ट ड्राइवर को इनर्शिया आ जाता है, वो सोचता है कि अब फॉग है, वो सोचता है अब मैं ऑन करूँगा तब ऑन करूँगा, उतनी देर में एक्सीडेंट हो जाता है। गाड़ी कहती कोई बात नहीं, मैं तेरे लिए ऑन कर लेती हूँ। तो ये परफॉर्मेंस है। इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, रिस्क। रिस्क कन्फर्मेंस भी है, परफॉर्मेंस भी है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी है, बिजनेस गवर्नेंस भी है। और आप CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो तो आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना बहुत ज़रूरी है कि रिस्क जो है कन्फर्मेंस का पार्ट भी है, परफॉर्मेंस का पार्ट भी है। रिस्क की एपेटाइट निकालना और उसको इंटीग्रेट करना अपने प्रोडक्ट के साथ, डिसीजन मेकिंग के साथ, जब आप कोई डिसीजन कर रहे हो या कोई प्रोडक्ट बना रहे हो उसको इंटीग्रेट करना, वो परफॉर्मेंस का पार्ट हो जाता है। और उस रिस्क को समझना और उसको मैनेज करना, उसमें कंट्रोल्स लगाना, वो कन्फर्मेंस का पार्ट हो जाता है। तो बैलेंस स्कोर कार्ड है एक कंपनी का, एक वहाँ पर आपका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है तो उसके कमरे में ये बैलेंस स्कोर कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर उसके कमरे में ग्राफ्स बने हैं और उसको पता है मेरी स्ट्रेटेजिक पोजीशन क्या है, उसको पता है कि मेरे स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस क्या हैं, मैं उन स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस को कैसे इंप्लीमेंट कर सकता हूँ, मेरे प्लान्स क्या हैं, कौन से पुराने प्लान्स हो गए, कौन से नए प्लान्स हो गए, क्या प्रोजेक्ट है, क्या उसके माइलस्टोन हैं, क्या मेरे स्ट्रेटेजिक रिस्क हैं, अगर उसको ये सारी चीज़ें पता हैं और उसको पता है कि रिस्क को कैसे स्प्लिट करना है, रिस्क किस किस टाइप का रिस्क होता है, तो उसको अपने आप में ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा क्योंकि मेजरमेंट प्रॉब्लम नहीं होगी, वो मेजर कर रहा होगा अपने आप में। और दूसरा चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है, वो अपनी सैलरी के बारे में सोच रहा होगा, डर रहा होगा, वो कह रहा होगा कि वो हर समय डरा हुआ रहेगा, वो कहेगा सैलरी बचानी है, कुछ दिन और बीत जाएं। और इन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की सैलरी करोड़ों रुपया होती है। तो एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर आप किसी कंपनी में जाओगे तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। आपको ये देखना है कि ये सारी चीज़ें जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उसको नॉलेज है कि नहीं है। अगर उसको नॉलेज है तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस होगा,
वो जब आंसर दे रहा होगा बोर्ड का या मैनेजमेंट को आंसर दे रहा होगा, तो उसके पास आंसर्स होंगे, उसको पता होगा वो कहाँ पर है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होगा, किस लेवल पर है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो रही है तो उसके अंदर डिपार्टमेंट्स हैं, अकाउंट्स है, फाइनेंस है, एचआर है, एडमिन है, आईटी है, वो क्या कर रहा है, आरएनडी क्या कर रहा है, उनके क्या रिस्क हैं, सारा रिस्क मैट्रिक्स बना होगा। स्ट्रेटेजिक पोजीशन क्या है हर एक के करस्पॉन्डिंग, स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस क्या हैं, स्ट्रेटेजिक क्या प्रोजेक्ट्स हैं, क्या रिस्क हैं, उसको सारी चीज़ें पता होगी। स्टेक होल्डर्स को भी पता होगा, इस बंदे को सारी चीज़ें पता है मार्केट के बारे में, यानी कि ये रिस्पॉन्स कर सकेगा, यानी युद्ध, ये ऐसा जनरल है जो सारी चीज़ें पता है, और जब युद्ध में चीज़ें मूव कर रही होंगी ये सेना को सही टाइम पर सही जगह पहुंचाने की कैपेबिलिटी रखता है, क्योंकि इसको सारी चीज़ें पता है, स्ट्रेटेजिक इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स पता है, इसको सारी स्ट्रेटेजी ये डेवलप कर सकता है, डिवाइस कर सकता है, चेंज कर सकता है, और रियल टाइम चेंज कर सकता है। तो अगर आप टॉप मैनेजमेंट हो, ये सारी चीज़ें आपको नहीं पता है, या आप किसी कंपनी में इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट में जा रहे हो और ये सारी चीज़ें आपको नहीं पता है, तो इसका मतलब मैनेजमेंट सही नहीं है, इसका मतलब स्ट्रेटेजिकली वो कंपनी कमज़ोर है, इसका मतलब वो कंपनी कभी भी ख़त्म हो सकती है। उसके अलावा मर्जर एंड एक्विजिशन है, मर्जर एंड एक्विजिशन की कई स्टेजेस होती हैं, और हर स्टेज में पर्टिकुलरली 8 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है, ताकि हर स्टेज में बोर्ड को पता रहे कि कौन सी स्टेज में आ गया है। जब मर्जर एक्विजिशन है तो 8 स्टेजेस होती हैं, और हमने ये स्टेजेस में क्यों डिवाइड किया, स्टेजेस में इसलिए डिवाइड किया है कि कुछ पता चला, एक्सपीरियंस हुआ मार्केट में कि ये स्टेजेस आती हैं, इन स्टेजेस की कोई प्रॉब्लम्स हैं। अगर CFO को, CEO को ये सारी प्रॉब्लम्स पता हैं तो वो उस पर काम कर सकते हैं, उसको पहले उसके लिए तैयारी कर सकते हैं, और मर्जर्स और एक्विजिशन में उन पर्टिकुलर जगह पर वो स्टम्बल नहीं करेंगे, वहाँ पर सक्सेस बनाएंगे। तो ओवरऑल मर्जर एंड एक्विजिशन स्मूथ प्रोसेस होगा, और कुछ क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स हैं जैसे टाइम मैनेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, टाइम में प्रोजेक्ट होना चाहिए। अगर कोई आप इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं उसका थॉरो एवोल्यूशन होना चाहिए, ड्यू डिलीजेंस इफेक्टिव होना चाहिए। मर्जर सर एक्विजिशन है तो वहाँ पर एक्सपीरियंस स्पेशलिस्ट होने चाहिए जो पहले उसे गो थ्रू किए हुए हैं। रिस्क पता होनी चाहिए, रिस्क रिडक्शन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, रिस्क पता होनी चाहिए, रिस्क रिडक्शन स्ट्रेटेजी के कंट्रोल्स लगा दो, या तो उसको मान लो ये रिस्क होगा और आगे बढ़ो, जैसे एलन मस्क ने कहा कि ये रिस्क होगा, ठीक है आगे बढ़ गया, लेकिन फिर लास्ट में जब रिस्क क्रिस्टलाइज होने लगा, रिस्क रियल होने लगा, कंपनी फेल होने लगी, वो शेयर होल्डर के पास गया, उनको प्लान्स पूरा दिखाया, उसके पास प्लान था, उसके पास एक स्ट्रेटेजिक विजन था, तो लोग उसके साथ खड़े हो गए, उन्होंने कहा चलो ये पैसा लगाते हैं। कई बार क्या होता है कि अगर आपके पास स्ट्रेटेजिक विजन है, आप उसे दिखा रहे हैं, सक्सेसफुल हो सकते हैं, तो वहाँ पर रिस्क कैपिटल आ जाता है, बहुत लोग रिस्क में कैपिटल लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं, कहते हैं पैसा लगाओ इस पर। कई लोग ज़्यादा कमाना चाहते हैं, ज़्यादा रिस्क होता है ज़्यादा रिवॉर्ड होते हैं, तो बोलते हैं अगर ये सक्सेसफुल हो गया तुम्हें बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा, और इस बंदे के पास विजन है, तो वहाँ पर विजन होना बहुत ज़रूरी है। और विजन होने के लिए एक बेसिक मिनिमम चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी हैं, और वो बेसिक मिनिमम चीज़ें स्ट्रेटेजिक स्कोर कार्ड हैं, और स्ट्रेटेजिक स्कोर कार्ड जो हैं उसके 4 बेसिक एलिमेंट्स हैं। तो एग्जामिनेशन में आ सकता है कि क्या 4 बेसिक एलिमेंट्स हैं, तो आप बताओगे कि स्ट्रेटेजिक पोजिशन, स्ट्रेटेजिक ऑप्शन, स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन और स्ट्रेटेजिक रिस्क, इस 4 भागों में हमने स्प्लिट कर दिया है, ताकि मेजरमेंट प्रॉब्लम कम हो। हमें ये पता रहे स्ट्रेटेजिक पोजीशन क्या है, स्ट्रेटेजिक पोजीशन में मैक्रो एनवायरनमेंट हमने करने की कोशिश की, लेकिन लगा कुछ चीज़ें हमें नहीं पता होंगी, वहाँ पर मेजरमेंट प्रॉब्लम रहेगी, इनहेरेंट प्रॉब्लम्स रहेगी, कौन पॉलिटिक्स में कौन आ जाए, क्या आ जाए, क्या इकोनॉमिक्स चेंज हो जाए, क्या रेगुलेटरी फैक्टर्स नए हैं, आपको पता नहीं चलेगा, वहाँ प्रॉब्लम्स आएंगी और मेजरमेंट प्रॉब्लम रहेंगी, स्ट्रेटेजिक इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स कम से कम, लेकिन ये सारे टर्म्स आपको पता रहेंगे और आप इनके टर्म्स में सोच रहे होगे, अवेयर हो रहे होगे, और इनको कॉन्स्टेंटली अपडेट कर रहे होगे। स्ट्रेटेजिक ऑप्शन है तो आप देख रहे होगे क्या स्कोप चेंज है, क्या डायरेक्शन चेंज है, स्कोप में क्या चेंज आएगा, डायरेक्शन में क्या चेंज आएगा। स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन है तो आप देख रहे होगे क्या प्लान्स हैं और क्या प्रोजेक्ट्स हैं, दो ही चीज़ें देख रहे होगे, क्या प्लान्स हैं, क्या प्रोजेक्ट्स हैं, तो आप वो उनके टर्म्स में सोच रहे होगे, उनके टर्म्स में बात हो रही होगी,
रिस्क होगा तो रिस्क को रिस्क में क्लासिफाई करोगे, ये रिस्क है, आप आइडेंटिफाई करोगे, नए रिस्क को क्लासिफाई कर रहे होगे, आइडेंटिफाई कर रहे होगे। तो आपको अपनी पोजीशन पता चल जाएगी कि क्या आपकी पोजीशन है। और एक्विजिशन प्रोसेस में क्या इसी तरीके से 8 भागों में स्प्लिट करोगे एक्विजिशन, मर्जर और एक्विजिशन की प्रोसेस को, उससे प्रोसेस मैप क्रिएट होगा और उसे बोर्ड को पता चल जाएगा कि मर्जर एयर एक्विजिशन सही तरीके से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अब बोर्ड की परफॉर्मेंस को आप कैसे मेजर करोगे? बोर्ड की परफॉर्मेंस को देखने के लिए आप ये देखोगे, सबसे पहले बोर्ड ये देखेगा कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड को एडहर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड क्या हो सकते हैं? बोर्ड के कोड हो सकते हैं या रेगुलेटरी कोड हो सकते हैं, जैसे कंपनीज एक्ट कुछ कोड्स क्रिएट, कुछ कमिटीज बनाने की कोशिश कर रहा है, उन कोड्स को वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और जो मार्केट में स्टैंडर्ड्स हैं, किस तरीके से स्ट्रक्चरिंग करनी है बिज़नेस की, एक पर्टिकुलर बिज़नेस की पर्टिकुलर तरीके से स्ट्रक्चरिंग करनी होती है, क्योंकि उसी तरीके से वो बिज़नेस मूव करता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल लड़ाई होगी, लड़ाई अलग अलग जगह पर होती है, ये हवाई में आसमान में लड़ाई होती है, वहाँ स्ट्रक्चरिंग अलग होती है, ज़मीन में लड़ाई होती है वो स्ट्रक्चरिंग अलग होती है, नेवी की लड़ाई होती है वो स्ट्रक्चरिंग अलग होती है, पानी की लड़ाई वहाँ पर स्ट्रक्चरिंग अलग होती है, उसमें भी अगर टैंक्स हैं तो उनकी स्ट्रक्चरिंग अलग है, अगर जीप में जा रहे हैं तो अलग है, आर्मी जीप्स होती हैं, उसमें भी इन्फेंट्री जो पैदल सैनिक होती हैं उनकी स्ट्रक्चरिंग अलग है, उनको एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, उनकी कमांड यूनिट्स होती हैं उनकी स्ट्रक्चरिंग अलग होती है, तो हर एक की स्ट्रक्चरिंग अलग है, तो बोर्ड को इस स्ट्रक्चरिंग के बारे में पता होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि बोर्ड के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस में लोगों की ट्रेनिंग, दूसरी बात परफॉर्मेंस मैट्रिक्स डिज़ाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी स्ट्रक्चर बना दिया, अब इस स्ट्रक्चर में किस तरह का आदमी बैठेगा और क्या उसकी परफॉर्मेंस होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात बिजनेस डायनेमिक्स, कितनी तेज़ी से बिजनेस चेंज हो रहा है, कौन कौन सी लोग बिजनेस में डायनेमिक पर्सनैलिटी रखते हैं, यानी कई बार क्या होता है बिजनेस में डोमिनेटिंग पर्सनैलिटीज़ होती हैं, गुरुज होते हैं, मतलब बड़े बड़े बिजनेस होते हैं, वहाँ पर CFO होगा, वो गुरुज होगा, उस बिजनेस में लोग जान रहे होंगे, वो कोई बात कहेगा तो वो उसकी बात मानी जाएगी, लेकिन कई बार उसकी बात गलत भी होगी, तो बात लोग माने, उसको इम्प्लीमेंट करें, और गलती हो तो बता देंगे कि ये गलती है भैया। डिसीजन मेकिंग क्विक हो, क्योंकि आज स्ट्रेटेजिक इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स बढ़ते चले जा रहे हैं। उसके अलावा अगर ये गुरु रिजाइन करे तो क्या होगा, की पर्सन रिजाइन करे तो क्या होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट डिजाइन, एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के बीच में एक बैलेंस क्रिएट करना, एम्प्लॉयज के बीच में बैलेंस क्रिएट करना, डायरेक्टर और शेयर होल्डर इंटरेस्ट में बैलेंस क्रिएट करना। कई बार क्या होता है शेयर होल्डर का कुछ और इंटरेस्ट होता है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं कई बार क्या होता है बहुत ही अच्छे बंदे होते हैं, लेकिन वो दूसरे तरीके से सोच रहे होते हैं और शेयर होल्डर कुछ और तरीके से सोच रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अंडर डेवलप्ड कंट्री में वहाँ शेयर होल्डर के पास नॉलेज ही नहीं होती है, पैसा लगा रखा है, उनकी सोच ही अलग होती है। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कई बार क्या होता है बड़ी अच्छी कंपनी के अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में बड़े अच्छे डायरेक्टर्स होते हैं, तो उनके थॉट प्रोसेस को कैसे अलाइन किया जाएगा,